जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली हरियाणा वाले बच्चों के लिए है जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि सर हरियाणा से SSC GD की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं आपको बता दूं लाडलो, इस वीडियो में केवल मैं फिजिकल की कट ऑफ नहीं, आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके अनुमान आंकड़े भी आपको बताने वाला हूं और गारंटी है मेरी कि 95% तक ये मैच खाएगी आंकड़े, क्योंकि आपको फिजिकल से क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल मैच खाएंगे। साथ ही आप सभी को जितने भी हरियाणा वाले हैं उन सभी को बताता हूं लाडलो, हमारी एकेडमी में 1 मार्च से मेडिकल बैच शुरू हो रहा है, यानी जिस बच्चे को इन आंकड़ों के अनुसार लगता है कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा तो वो बच्चा मेडिकल कराने के लिए एकेडमी आ सकता है। उसके लिए नीचे दी गई जानकारी जो नंबर दिए हुए उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप फिजिकल करने के लिए आते हो, आप सबको पता है फिजिकल आपका 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा, अगर आप फिजिकल के लिए आते हो तो मेडिकल की जांच बिल्कुल फ्री है आपकी, ठीक है लाडलो। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है। हर बार बाकी स्टेट की बजाय यहाँ की कट ऑफ ऊपर रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा फौज में जाने के लिए बेताब रहता है। तो चलिए करते हैं शुरू आंकड़े। मैं आपको बताऊं 2021 में जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी हरियाणा से वो गई थी 63.55% पे। कितनी गई थी? 63, हाईएस्ट जनरल कैटेगरी बॉयज, ध्यान रखना जनरल कैटेगरी बॉयज की 63 गई थी, और लोवेस्ट गई थी ST कैटेगरी से 57, वो भी लड़कियों की। यानी फिजिकल की पिछली बार जो हरियाणा की कट ऑफ थी वो थी 57 से 63 के बीच में, यानी औसतन 60% आप मान लीजिए। यानी जिस बच्चे के 96 से ऊपर नंबर है, अगर वो ओबीसी ST से है तो वो फिजिकली के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हरियाणा से है तो मेरा अनुमान ये बोलता है कि अगर आपके 105 से अगर नंबर कम है तो आपको दूसरी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। भले ही आप फिजिकली के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे लेकिन फाइनल मेरिट तक 105 नंबर से आप नहीं पहुंच पाएंगे हरियाणा से, ठीक है लाडलो। अब फिजिकल के लिए अगर जनरल कैटेगरी से, हो सकता है कि इस बार जो कट ऑफ जाए वो 102 से 105 के बीच में जाएगी, देख लेना आप, इसके बाहर आंकड़े नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं मेडिकल की, तो पिछली बार मेडिकल 4 नंबर ऊपर उछल गई थी, तो इस बार ये मान के चलिए कि 4% और ऊपर जा सकती है मेडिकल की, यानी लगभग 110 नंबर मेडिकल के जो क्वालिफाई होंगे वो 110 से 115 नंबर के बीच में जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई होंगे अगर वो जनरल कैटेगरी से आप हैं। अगर आप बात करोगे सर SC ST कैटेगरी से हैं या बॉर्डर एरिया से हैं तो कितनी जा सकती है, तो उनके लिए जा सकती है लाडलो 96, यानी अगर आपके 96 नंबर है 160 में से, कितने में से 160 में से अगर आपके 96 है, अगर आप बॉर्डर एरिया से हैं, ST कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हैं, तो आप, या आप लड़की है भले ही जनरल कैटेगरी से, और अगर आपके 96 नंबर है बेटा तो आप 100% फिजिकल और मेडिकल तो क्वालिफाई करोगे। अब आपका जो भी डिसीजन होना वो कहां होगा? फाइनल मेरिट में। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। देखिए पिछली बार 2021 के आंकड़ों के अनुसार आप सभी को पता है कि जैसे पिछली बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम थी, 25,000 पोस्ट ऑफ वैकेंसी थी, फॉर्म 76 लाख के आसपास डाले गए थे, इस बार 53 लाख फॉर्म भरे हैं, 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी 46,000 है। यानी अनुमान ये कहता है कि कट ऑफ पिछली बार की बजाय डाउन रहेगी ना कि अप रहेगी, क्योंकि पेपर के लेवल पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर का लेवल बहुत ईजी था, तो पिछली बार भी तो ईजी था, SSC GD का कब हार्ड आया पेपर? जब मैं लगा था 2017 वाले में तब भी ईजी था, और आज भी पेपर ईजी आता है, SSC GD का हार्ड आता ही नहीं, आर्मी का पेपर जैसे सदा एक ही लेवल का रहता है वैसा था। तो कट ऑफ इस बार ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है कि ऊपर उसले कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस ज्यादा है। पिछली बार BSF की जो कट ऑफ गई थी हरियाणा से वो गई थी लाडलो 75, CISF की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 82 जनरल कैटेगरी बॉयज की, SSB की पिछली बार गई थी 77, ITPP की पिछली बार गई थी 76 और AR की गई थी 74। ये नहीं कहने का मतलब हरियाणा से पिछली बार 74% जिस बच्चे के नंबर थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, भले कोई सी भी फोर्स में हो लेकिन सिलेक्शन हो गया था। तो सर इस बार कितने पे हो सकता है? तो इस बार अगर हम पिछली बार की देखें तो आपके अगर लगभग 116 नंबर है, यानी 115 से ऊपर नंबर पर है, और आप जनरल कैटेगरी से बॉयज हो, तो इसका मतलब यह है कि लाडले आपका जो भी फैसला होगा वो फाइनल का टॉप में होगा, यानी फाइनल मेट में होगा। तब तक तो आप 100% बिल्कुल चिंतित मत होइए कि आप फाइनल मेट तो हिट कर सकने के पूरे चांस है, यानी आप मेडिकल हिट करोगे, फिजिकल हिट करोगे, और फाइनल मेट पे तो जो आंकड़े एग्जिट आएंगे वो तो लिस्ट में आएंगे। अनुमान है मेरा कि 115 नंबर जिस भी बच्चे के हैं उसके चांस है इस बार सिलेक्शन होने के, हो सकता है कि इसे एक नंबर ऊपर भी रहे, एक दो नंबर नीचे भी रहे। अब यही बात कर लेते हैं गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स के साथ साथ
एससी एसटी और ओबीसी के लिए। तो अगर आप गर्ल्स है तो 112 नंबर मेरा मानना है, अगर आप एससी एसटी से हैं तो 110 नंबर मेरा मानना है कि 110 नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो आप शो सिलेक्शन वाली लिस्टों में हैं कि हाँ आपका इस नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। साथ एक चीज विशेष ध्यान रखना लाडलू कि अब तक आपने अगर कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इन कट ऑफ के ओरिजिनल आंकड़े भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो पीछे मैंने जो बना रखा है ये पूरे पूरे आंकड़ों आपको वहां पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने के लिए आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, एसएससीडी 2023-24 की वहां से तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस की कर सकते हैं, और फिलहाल अभी एसएससी एमटीएस की भी तैयारी आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आंकड़े मैंने बता दिए कि फाइनल मेट कितनी जा सकती है, क्योंकि बाकी जो आप आंकड़े देख रहे हैं वो सब फिजिकल कट ऑफ के हैं। तो फिजिकल कट ऑफ के बता दिए, एक बार और क्लियर कर देता हूं कि फिजिकल कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकता है। तो देखिए एसटी एसटी कैटेगरी से, एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से या गर्ल्स है तो उसके 96 नंबर भी है तो क्वालिफाई होने के पूरे चांस है। जनरल कैटेगरी से अगर 100 से 103 के बीच में नंबर है, 100 से 103 या 105 के आसपास अगर नंबर है तो कहने का मतलब है कि वो मेडिकल तक क्वालिफाई करेगा लाड। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और हरियाणा वालों, अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चन रह गया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए लाड दो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप लाइक दबा के ठोकना देखें। ठीक है लाड लो, जय हिंद जय भारत।